أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. पिछले टर्न पे हम लोगों ने मेजर वर्ल्ड पावर्स जो इस्लाम के यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले और इस्लाम की यूँ समझ लीजिए कि जो दोबारा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए जो इस्लाम आया है हम तक उसकी शुरुआत से पहले जो पॉलिटिकल पावर्स थे दुनिया के उनके बारे में हमने दो मेजर पावर्स के बारे में स्टडी की थी, एक रोमन एम्पायर एक पर्शियन एम्पायर, उनके कल्चर्स उनके रिलीजन और जो उनका पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था और उनकी आपसी राइवलरी जो थी उसके बारे में हमने जितनी ज़रूरत थी उसके हिसाब से पढ़ लिया था। आज हम इंशाअल्लाह वापस से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादे यानी हाशिम, बड़ा मशहूर नाम है आपने सुना होगा, हाशिम की ज़िंदगी के थोड़े वाकयात और हाशिम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रैंड फादर यानी दादा अब्दुल मुत्तलिब, इन दोनों की ज़िंदगी के बारे में थोड़ा सा तज़किरा आज हम पढ़ेंगे। तो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे ये हाशिम नाम आपके सामने अपीयर हो रहा है और एक अब्दुल मुत्तलिब, और रिलेशन क्या है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हैं अब्दुल मुत्तलिब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ग्रेट ग्रैंडफादर जिसे हम परदादा कहते हैं वो हाशिम है। तो हमने वो सिलसिला इब्राहिम अलैहिस्सलाम से शुरू किया था और जो जो सिग्निफिकेंट हस्तियाँ और जो सिग्निफिकेंट चेंजेस अरब के अंदर आए हैं कल्चरली रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से वो सब हमने आपके सामने बयान किए। तो आज हम इंशाल्लाह बहुत करीब आ चुके हैं अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से। तो हाशिम के बारे में हमने आपको पिछले टर्न पे कहा था कि आज हमारी स्टडी जो है वो हाशिम के ताल्लुक से होगी और अब्दुल मुत्तलिब, हाशिम इज द ग्रेट ग्रैंडफादर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा, कुसई इब्न किलाब के बारे में हमने तफसीली स्टडी की थी और हमने बताया था कि कुरैश के यानी यूँ समझ लीजिए कन्फेडरेशन जो है कुरैश का और बनू इस्माइल की हुकूमत कायम करने में कुसई इब्न किलाब का बहुत बड़ा रोल था। तो हाशिम के बारे में आज हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। उतर हाशिम के बारे में पढ़ने से पहले ये समझ लीजिए कि अरब के अंदर हाशिम को बहुत सिग्निफिकेंट पोजीशन हासिल थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले, यानी जो अरबियन पेनिनसुला की हिस्ट्री में कुछ सिग्निफिकेंट नेम्स जो हैं उनमें हाशिम का जो नाम है वो बहुत सिग्निफिकेंट नाम में से आता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरैश की जिस शाख से आपका ताल्लुक था, जिस कबीले से आपका ताल्लुक था, उसका नाम जो है बनू हाशिम इसी नस्बत से पड़ा था कि वो हाशिम की औलाद थे। कुरैश एक बड़ा कन्फेडरेशन था, उसमें से छोटा ट्राइब जो था एक वो बनू हाशिम का ट्राइब था और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाशमी थे। हाशमी कहने का मतलब या बनू हाशिम कहने का मतलब ये है कि आपकी निस्बत जो है वो हाशिम से थी, हाशिम की प्रोजेनी जो आगे बढ़ी थी उसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए थे। तो इस एतबार से भी बहुत सिग्निफिकेंट है कि खुद हुजूर का कबीला जो था उसकी निस्बत इसी हाशिम की तरफ है, बनू हाशिम। ठीक है, तो इसी हाशिम के बारे में आज हम पढ़ेंगे। हाशिम का सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो अरब की हिस्ट्री में रहा है वो इकोनॉमिकल रहा है। जैसे हर इंसान का एक दायरेकार होता है ना, एक फील्ड ऑफ रेलेवेंस होता है, जैसे कुसई इब्न किलाब का मिलिट्री एंड पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस ज्यादा था क्योंकि उसने कुरैश को बनू इस्माइल की बहुत सी शाखों को जमा करके जो है बनू खुजा की हुकूमत को मक्का में से खत्म किया था। तो कुसई इब्न किलाब वाज अ पॉलिटिकल लीडर ऑफ कुरैश, बट हाशिम वाज रीनोन्ड फॉर हिज इकोनॉमिक एंड ट्रेड पॉलिसी। वो क्या है वो आज हम पढ़ेंगे और बहुत सिग्निफिकेंट है क्योंकि कुरान मजीद में एक सूरह है हम जिसको नमाज में पढ़ते हैं, ले इला से कुरैश, ठीक है, उसमें हाशिम का तज़किरा तो नहीं है बराह रास्त, लेकिन हाशिम ने जो पॉलिसीज अपनाई हैं ट्रेड के अंदर उसके नतीजे में जो चेंजेस आए हैं अरब में और जो इकोनॉमिक ग्रोथ हुआ है उस एहसान को अल्लाह ताला सूरह कुरैश के अंदर गिना रहा है जो हम नमाज में यानी रेगुलर बेसिस पर पढ़ते हैं। तो इंशाअल्लाह जब आज हम इस बात को समझ लेंगे और फिर उस सूरत की तफसीर आपके सामने रखी जाएगी तो दोबारा से जब आप उस सूरत को पढ़ेंगे लैला से कुरैश को तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये बात आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। तो हाशिम की खसूसियत में से एक खसूसियत ये थी, जैसा कि आप देखते हैं अरब के अंदर ज्यादातर लोग जो होते हैं ब्रेव होते थे, बहादुर होते थे। तो हाशिम वॉज ऑल्सो नोन फॉर हिज ब्रेवरी। इंटेलिजेंस के लिए भी जाने जाते थे, इंटेलिजेंस के लिए इस तरह से जाने जाते थे कि जो कुरैश कबीला था, कुरैश कन्फेडरेशन था, उसमें बहुत सारी बिजनेस की जो तकनीक थी, बिजनेस की जो टेक्निक्स थी, ट्रेड रूट्स थे, जो रास्ते जिनके जरिए सफर किया जाए, ये सब हाशिम ने तय किए थे कुरैश के लिए। कैसे तय किए थे वो इंशाल्लाह हम आगे आपको बयान करेंगे मैप के जरिए। हाशिम का असल नाम जो था वो अम्र था, ठीक है, लेकिन उसका नाम हाशिम इस वजह से पड़ गया क्योंकि अरब
अरबी वर्ड जो है वो हशम, हशम का मतलब होता है बचाने वाला, है ना, सेव करने वाला। तो ये वर्ड है हशमुल जिया, यानी भूख से बचाने वाले की हैसियत से हाशिम का नाम हाशिम पड़ा था, क्योंकि जब अरब के अंदर कहत साली होती थी, फूड प्रोडक्शन कम हो जाता था, फूड प्रोडक्शन के नाम पे वहां कुछ खास होता नहीं था वैसे, लेकिन हाँ जो भी उनकी सोर्स ऑफ लाइवलीहुड था और उन चीजों में कमी हो जाती थी, तो हाशिम अपने ऊंटों को जबा कर करके उसका गोश्त बना के और उसका शोरबा बना के और उसमें जो है वो रोटियों को तोड़ के और पब्लिक में बांटा करते थे। तो अपनी जेनरोसिटी के लिए मशहूर थे, लोगों की मदद करने के लिए मशहूर थे, और इनके बारे में वाकयात आते हैं तारीख की किताबों में कि ये कभी भी तनहा खाना नहीं खाते थे। अगर किसी मजबूरी की वजह से इन्हें अकेले खाना पड़ता था तो कुरैश की मजलिसों में जाते थे और किसी एक शख्स को पकड़ के ले आते थे और कहते थे मेरे साथ खाओ। तो यानी आप देखते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लीनियज के अंदर जो लोग भी आते हैं, अगरचे वो मुशरिक हैं या यानी वो दीन इब्राहिमी के सही पैरोकार नहीं थे, लेकिन कुछ क्वालिटीज, कुछ पर्सनैलिटी, कुछ शख्सियत का किरदार के वो पहलू जो आम तौर पे इंसानी समाज के अंदर अच्छे माने जाते हैं, वो सब के सब इन लोगों के अंदर थे। तो रिलेटिवली स्पीकिंग जो ये खानदान था ना, बनू हाशिम का खानदान और ये कुरैश का जो घराना था, वो रिलेटिवली स्पीकिंग अरब के अंदर शरीफ तरीन खानदानों में से था, और कुरैश में भी सबसे शरीफ घराना वो था जिस घराने में हाशिम पैदा हुआ। ठीक है, तो और जेनरोसिटी के लिए भी, ब्रेवरी के लिए भी, इंटेलिजेंस के लिए भी जाने जाते थे, चैरिटेबल भी बहुत ज्यादा थे। ठीक है, अब हम इनके इकोनॉमिक प्लान्स के बारे में थोड़ा स्टडी करते हैं कि इन्होंने असल में क्या किया था, जिसका इशारा अल्लाह ताला ने सूरह कुरैश के अंदर किया है। आपके सामने मैप एक अपियर हो रहा होगा, मैं चाहता हूँ कि आप इस मैप को ध्यान से देखें और इसमें जो बातें कही गई हैं उसको समझने की कोशिश करें। पहली चीज, ये अरेबियन पेनिनसुला का मैप है, ये इंडिया का मैप है ना, ये पर्शिया है, ये चाइना का खित्ता है पूरा, है ना, और इधर जो है ये रोमन एम्पायर है, जो जिसको हम इमारतुल बिजंतीनिया या बाइजेंटाइन एम्पायर कहते हैं, ईस्टर्न रोमन एम्पायर। ठीक है, इसी में सीरिया भी है, इसी में अंतियोख भी है, इसी में जेरूशलम भी है। ठीक, हाशिम ने क्या किया? अच्छा, हाशिम के ट्रेड प्लानिंग को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इससे पहले ट्रेड के रूट्स क्या क्या थे, किस तरह लोग ट्रेड करते थे। तो ये जो आप देख रहे हैं, चाइना वॉज ऑलवेज नोन फॉर प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, है ना, सिल्क रूट के बारे में आप में से जब जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें वो थोड़ा बहुत जानते होंगे। तो चाइना जो है अपना सिल्क ट्रांसपोर्ट करता था यूरोप के अंदर, ये यूरोपियन कंट्रीज इधर, तो यूरोप के अंदर जो है चाइना अपना सिल्क ट्रांसफर करता था इस रूट के थ्रू, यानी ये ग्रेटर यानी चाइना को क्रॉस करते हुए रशियन यानी जो है ये खित्ता, इसको क्रॉस करते हुए पर्शिया को क्रॉस करते हुए बाइजेंटाइन एम्पायर में घुसते हुए और वापस ये इधर अपर बाइजेंटाइन और फिर जो यूरोपियन कंट्रीज है यहाँ ये भेजते थे अपने सिल्क को। दूसरा एक रूट ये था, दूसरा ट्रेड का मेजर रूट था इंडिया। इंडिया में स्पाइसेस की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होते थे ना, आप जानते हैं मसाले वगैरह जो है वो दुनिया के अंदर यही होते हैं, इतने कहीं और नहीं होते थे, और जितने गर्म मसाले और तरह तरह की चीजें जो होती हैं जो खानों के टेस्ट को बढ़ाती हैं वो सब यहीं पैदा होती हैं। तो यहाँ से ये लोग जो हैं वो ट्रेड करने जाते थे और समुद्री ट्रेड इस खित्ते से करते हुए करते हुए करते हुए यहाँ जाके दाखिल होते थे रोमन एम्पायर के अंदर और फिर बाइजेंटाइन एम्पायर और फिर यूरोप की तरफ जाते थे। ये वाला रूट बहुत डिफिकल्ट होता था, तो अक्सर ये ट्रैवल नहीं होता था, ज्यादातर ये लोग जो ट्रैवल करते थे वो इधर से अफगानिस्तान और पर्शिया होते हुए फिर बाइजेंटाइन एम्पायर में दाखिल होते हुए सीरिया, जेरूशलम और यूरोपियन कंट्रीज में अपने स्पाइसेस को बेचा करते थे। हाशिम ने क्या सजेशन दिया? हाशिम बहुत, ही वॉज वेरी वेल ट्रेवल्ड मैन, हाशिम वॉज नॉट अ सिंपल अरब बेडुइन। ठीक है, वो काफी ट्रेवल करते थे, मुख्तलिफ जगहों पर जाते थे। तो हाशिम ने क्या किया कि जो हिंद से जो यानी यूं समझ लीजिए काफले आते थे, उनको इस बात के लिए तय किया, यानी पहले भी काफले आते थे इस खित्ते में, लेकिन वो इधर से मुड़ के ये जो छोटा सा पैसेज आप देख रहे हैं इसके जरिए वो यूरोपियन कंट्रीज में दाखिल होते थे और बाइजेंटाइन एम्पायर में दाखिल होते थे। हाशिम ने उनको कन्विंस किया कि आप यमन पे अपने सामान को जो है वो अनलोड कीजिए। ये जो ये साउदर्न हिस्सा देख रहे हैं आप अरेबियन पेनिनसुला का, ये यमन का हिस्सा है। तो हाशिम ने कन्विंस किया कि जो हिंदुस्तान से काफले आए वो यमन में आके अपने जो है वो मसालों को अनलोड करें, और उन्होंने, हाशिम ने अरब में खसूसन कुरैश को इस बात के लिए तैयार किया कि हम लोगों को ये करना चाहिए कि हम लोग अपना कारवान लेके जाएं यमन, और अहले हिंद से यानी हिंदुस्तान वालों से हम जो है उनके मसालों को खरीदें और इनके मसालों को लेके जो है हम ट्रैवल करते हुए यूरोप में जाके दाम को इंक्रीज करके बेचें, जैसा कि ट्रेड में होता है। ट्रेड जाहिर है कि जितने में आप खरीदते हैं उतने में नहीं बेचते, उससे बढ़ा के ही बेचते हैं। तो इससे क्या फायदा होगा कि जो हिंदुस्तान से काफिले आते हैं उनको भी इतना लंबा ट्रैवल नहीं करना पड़ेगा, तो वो भी अपने जो है वो मसालों को यहाँ कम दाम में बेचने के लिए हम पे तैयार हो जाएंगे।
तो हाशिम ने इन लोगों को कन्विंस किया, इन हिंदुस्तान के बहुत सारे काफलों को कन्विंस किया कि आप अपने जो मसालों को यहाँ अनलोड करें, हम आपसे खरीदेंगे और फिर हम जो है यहाँ बाइजेंटाइन एम्पायर में जाके बेचेंगे। और जो चाइना वाले थे, चाइना वालों को कन्विंस किया कि आप इतने अंदर तक जो बाइजेंटाइन एम्पायर में जाते हैं, हमें यहीं पे से आप सिल्क रूट दे दिया, सिल्क मतलब दे दिया कीजिए पर्शिया में, और हम आपसे पर्शिया में सिल्क खरीदेंगे और उसको रोमन एम्पायर में जाके बेचेंगे। तो जाहिर है कि उनका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हो गया चाइना वालों। तो हाशिम ने ये किया कि ये ठंड के मौसम में ये यमन की तरफ आते थे अपने कुरैश के काफिलों को लेके, और फिर धीरे धीरे करके अरब के बहुत से लोग जो है वो हाशिम की इस प्लानिंग से मुतासिर हुए और हाशिम के साथ सफर करने लगे। तो हाशिम पूरे के पूरे काफिले को लेके यमन आते थे, यहाँ हिंदुस्तान वालों से जो काफिले आ रहे थे, जो मसाले वगैरह बेचते थे ये लोग, स्पाइसेस, उनसे सारी चीजें खरीदते थे जाड़े के मौसम में, और फिर इसको ले जाके यहाँ बेचते थे रोमन एम्पायर में, बाइजेंटाइन एम्पायर में, है ना, और यूरोपियन कंट्रीज। और फिर गर्मी के मौसम में ये इधर जाते थे, पर्शिया से सामान लेते थे, सिल्क वाली चीजें, और सिल्क खरीद के ये यूरोपियन कंट्रीज में बेचते थे बाइजेंटाइन एम्पायर में, और बाइजेंटाइन की चीजें खरीद के वापस जो है वो यहाँ ला के बेचते थे। तो गोया कि सेंटर ऑफ अरबिया में अगर यहाँ पे मक्का को एज्यूम किया जाए, नॉट एग्जैक्टली यहाँ पे, लेकिन हम मेरे आप कर्सर को ध्यान से अगर देखें तो ये ठंड के मौसम में सदर्न सेक्शन में ट्रेवल करते थे, यमन से जो है हिंदुस्तान से आ रहे मसालों को खरीद के बाइजेंटाइन एम्पायर में बेचते थे, और गर्मी में जाके यहाँ से सिल्क खरीदते थे और उस सिल्क को रोमन एम्पायर में बेचते थे, और रोमन एम्पायर के सामानों को बाइजेंटाइन एम्पायर और यूरोपियन कंट्री से आ रहे सामानों को खरीद के फिर वापस से यमन में लाके बेचते थे। गोया कि गर्मी और जाड़े के दो स्पेसिफिक ट्रेवल्स जो हैं, और ये पूरा का पूरा ट्रेड रूट डिजाइन करना और ये पूरी की पूरी पॉलिसीज डिजाइन करना, और फिर ऐसा तो नहीं कि राता-राती हुई होगी ये चीजें, इसके लिए बहुत ट्रेवल किया हाशिम ने, और यानी कि वो हिंदुस्तान के काफिलों से बात, और फिर जो है बाइजेंटाइन एम्पायर में जाके यहाँ के लोगों से बात, यहाँ के ट्रेडर्स से जो है वो अच्छा रब्त ताल्लुक कायम करना, फिर ये कि अहले चीन, इसको सीन कहते हैं अरबी में, तो अहले चीन से जाके बात करना और फिर उनसे जो है वो सिल्क का जो ट्रेड है उस सिलसिले में अपने पैक्ट्स को तय करना। तो ये सब कोई आसान काम नहीं होता, इतने बड़े बड़े ट्रेड को डील करना, लेकिन अल्लाह ताला ने इनको ये सलाहियत दी थी, इतनी बड़ी सलाहियत दी थी कि ये तब, यानी यूं समझ लीजिए कि जो लाइफ लाइन ऑफ कुरैश इकोनॉमी है, या लाइफ लाइन ऑफ बाय इन लार्ज अरबियन पेनिनसुला की जो इकोनॉमी है, उसको नई जिंदगी हाशिम ने बख्शी अपने इन पॉलिसीज के जरिए। इसका नतीजा क्या हुआ कि हाशिम वॉज नॉट ओनली नोन इन अरेबियन पेनिनसुला, ही वॉज ऑल्सो नोन इन बाइजेंटाइन एम्पायर, ही वॉज ऑल्सो नोन टू द पीपल ऑफ द चाइनीज ट्रेडर्स, एंड ही वॉज ऑल्सो नोन टू द इंडियन ट्रेडर्स। ठीक है, तो इस एतबार से हाशिम को एक खसूसी मुकाम हासिल है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, अरब के अंदर। और ये हाशिम, याद रखिएगा आप इस बात को, ही वॉज द ग्रेट ग्रैंड फादर ऑफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा थे। तो ये पूरी पॉलिसीज जो हाशिम ने डिजाइन की, इसके नतीजे में क्या हुआ कि जो अरब भूखे प्यासे मरते रहते थे और हमेशा तहसाली आती थी और जो है लोग बहुत बड़ी तादाद में लोग मरते थे, अल्लाह ताला का करम ये हुआ कि अल्लाह ने ये सूझबूझ हाशिम को दी, जिसके नतीजे में अरब की हालात और अरब की इकोनॉमी जो है बहुत बेहतर हो गए। ठीक है, कंपैरेटिव सेंस में बात करना, जाहिर है कि अभी भी अरब के हालात हिंदुस्तान चाइना जैसे नहीं थे, ये फ्लरिशिंग कंपैरेटिव सेंस में, दीज वेयर द मोर फ्लरिशिंग इकोनॉमी, चाइना बिकॉज ऑफ सिल्क एंड इंडिया बिकॉज ऑफ स्पाइसेस एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, ये दोनों मोर फ्लरिशिंग इकोनॉमी थे। अरब के पास ऐसे कोई ट्रेड मतलब एग्रीकल्चरल एडवांसमेंट भी नहीं था, जमीन भी ऐसी नहीं थी, बंजर जमीन थी तो प्रोडक्शन भी नहीं होता था, लेकिन डिस्पाइट द फैक्ट के लैक ऑफ रिसोर्सेज के बावजूद हाशिम की ट्रेड पॉलिसीज के नतीजे में अरब के अंदर भी खुशहालियां आने लगी। और मैं आपको एक और बात बताता चलूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश से पहले अल्लाह ताला ने जमीनें हमवार की हैं, अल्लाह ताला ने सूरत हाल बेहतर बनाई है अरब की, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के नतीजे में बहुत से ऐसे मुआजजात, अभी आगे भी आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने बहुत सी ऐसी चीजें जो है फैसिलिटेट की हैं अरब के अंदर, जिसके जरिए जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का एक मैदान तय हो सके। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के लिए जमीन जो है हमवार हो सके, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के लिए जो है माहौल तैयार हो सके। ठीक है, तो और भी आगे चीजें आएंगी तो इंशाल्लाह वो मामला और क्लियर होगा। तो ये बात आप याद रखें कि यहाँ दो सफर का जिक्र एकदम बिल्कुल ना भूलें, अगर तमाम बातें भूल भी जाएं, ट्रेड रूट्स भूल भी जाएं, तो ये बात जरूर याद रखें कि हाशिम की पॉलिसीज के नतीजे में कुरैश ने दो सफर, मेजरली दो सफर करना शुरू कर दिया, एक जाड़े का सफर टुवर्ड साउथ और एक गर्मी का सफर टुवर्ड्स वेस्ट एंड नॉर्थ।
मैं समझता हूँ ये वाली बात आपको समझ में आ गई। तो जिसको कुरान में अल्लाह ताला ने बयान किया है कि रहलत शीता इवसैफ, जारे और गर्मी के सफर। अब हम जब सूरह कुरैश पढ़ेंगे तो उसकी तफसीर आपके सामने बयान करेंगे, लेकिन अभी ये वर्ड आप याद रख लें, रहलत शीता इवसैफ। हम नमाज में पढ़ते हैं ये सूरह, इलाफ कुरैश इलाफिहिम रहलत शीता इवसैफ। तो यहाँ जो रहलत शीता इवसैफ बयान किया अल्लाह ताला ने, जारे और गर्मी के सफर, तो ये दर हकीकत कुरैश जो ये दो सफर किया करते थे, हाशिम की जरिए ये इनिशिएट किया गया था, उसका जिक्र इस सूरत के अंदर आएगा। तो हम जब पढ़ेंगे इंशाल्लाह तो उसका बयान हम कर देंगे। ये मामला आपके ऊपर क्लियर हो गया। तो हाशिम की पॉलिसीज के नतीजे में क्या हुआ कि अब हाशिम, जाहिर है कि मैं आपको अगर आप ध्यान में रखते हैं तो हाशिम ने जब ये पॉलिसीज स्टार्ट की तो ही बिकम वेरी वेल नोन और बहुत एलोक्वेंट स्पीकर थे। हाशिम वॉज नॉट लाइक नॉर्मल पर्सन नहीं थे, ही वॉज वेरी गुड स्पीकर। तो इसका नतीजा ये हुआ कि इन्होंने जबानें भी जो है वो बाइजेंटाइन एम्पायर में जाके वहाँ की जबानें सीख ली, चीन वालों की जबानें सीख ली, और हिंदुस्तान में उस जमाने में जो जबानें राइज थी, संस्कृत वगैरह और द्रविड़ियन लैंग्वेज, वो सब जो लैंग्वेजेस हैं कई सारी, उसमें जो है वो हाशिम ने सीख ली और बहुत अच्छे स्पीकर थे। तो उधर जाके बाइजेंटाइन एम्पायर में इन्होंने क्या किया कि वहाँ एम्पायर्स जो होते थे, वहां के जो किंग होते थे, उनको कन्विंस किया कि आप हमारे टैक्स को माफ कर दीजिए। ठीक है, असल में पहले जमाने में क्या होता था कि आप किसी नए मुल्क में जाके अगर ट्रेड करना चाह रहे हैं तो आपको बादशाह को टैक्स देना पड़ेगा। ये आज भी होता है, आज बड़े सोफिस्टिकेटेड और फैसिलिटेटेड वे में होता है, आपकी सैलरी से काट लिया जाता है फिर, और बहुत सारे यानी एस्टेब्लिश निजाम के तहत ये चीजें होती हैं, तो हम रियलाइज नहीं करते। लेकिन बहरहाल पहले जमाने में बिल्कुल ओपनली ये चीज होती थी कि आप किसी नए लैंड में जाके अगर ट्रेड कर रहे हैं तो यू हैव टू पे सर्टेन अमाउंट ऑफ टैक्स टू द ओनर ऑफ दैट लैंड, टू द किंग ऑफ दैट लैंड। तो हाशिम ने कन्विंस किया जाके बाइजेंटाइन एम्पायर्स को कि आप कुरैश के टैक्स को माफ कर दीजिए, और अल्लाह ताला को मंजूर थी ये बात। तो अल्लाह ताला ने ये मामले को आसान कर दिया और जो इमादतुल बिजंतिनिया का बादशाह था हेरिक्युलस जो था उस जमाने में, उसने माफ कर दिया। उसने कहा कुरैश का जो काफिला आएगा उसको हम टैक्स नहीं लेंगे। यही जो है वो यानी पर्शियन एम्पायर में भी जाके हाशिम ने कन्विंस किया और फिर ये इस बात के लिए तैयार हो गए वो लोग भी कि टैक्स आपसे नहीं लेंगे। तो ये टैक्स एग्जम्पशन के नतीजे में ये हुआ कि कुरैश का जो इकोनॉमी है वो मजीद फ्लरिश करने लगी, है ना। अब जाहिर है वो जो कमाते थे सब उनका ही होता था, टैक्स भी नहीं देना कहीं। तो इस एतबार से हाशिम की इन पॉलिसीज के नतीजे में और हाशिम की इस यूं समझ लीजिए चार्मिंग पर्सनैलिटी के नतीजे में कुरैश के अंदर हाशिम को बहुत इज्जत का मुकाम हासिल हो गया। जाहिर है दुनिया का ये रिवाज है कि जो उनको पैसे कमाने का तरीका सिखाता है और पैसे को बनाने का तरीका सिखाता है उसकी दुनिया इज्जत करती है, ये बहुत नेचुरल बात है, बहुत फितरी बात है। कुरैश ने जब देखा कि हमारी जो भुखमरी है और हमारी जो परेशानियां वो हाशिम के नतीजे में यानी सिंगल हैंडेडली इनकी पॉलिसीज के नतीजे में ये हो गई, तो कुरैश ने नियर यूनानिमसली यानी नॉट एग्जैक्टली बट करीबन तमाम लोग मुत्तफिक अलैह तौर पर हाशिम को अपना यूं समझ लीजिए कि अनऑफिशियल लीडर तस्लीम करते थे। तो हाशिम को बड़ी इज्जत हासिल हो गई कुरैश के अंदर, और ये भी एक पेश खेमा था, ये भी एक यूं समझ लीजिए कि फैसिलिटेशन था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस खानदान में पैदा होना था उस खानदान को अल्लाह ताला ने मुमताज बना दिया इज्जत के एतबार से, दुनियावी एतबार से कुरैश के अंदर और बिलउमूम अरब के अंदर। तो ये सारी बातें मैंने आपके सामने क्लियर कर दी हैं। अच्छा, अब हाँ, अब एक और चीज हो गई कि हाशिम को सिक्योरिटी यानी कुरैश को बिलुमूम सिक्योरिटी भी मिल गई अरब के अंदर भी। अरब के अंदर जो लूट पूट का मामला बहुत आम था और कारवांस पे रेड पड़ते थे, ये सारी चीजों से कुरैश को एग्जम्पशन मिल गया, क्योंकि सारे अरब इस बात को तस्लीम कर चुके थे कि हमारे यहाँ जो भी थोड़ी इकोनॉमी फ्लरिश हुई है, जो भी हमारे हालात बेहतर हुए हैं, वो असल में जो है कुरैश और हाशिम की वजह से हुए। तो कुरैश की इज्जत एक तो दीनी बुनियाद पे थे ही कि ये काबे के मुतवल्ली हैं, काबे का ख्याल रखते हैं, काबे के ओनर्स हैं, ठीक है, और दूसरा यह कि इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद है, और तीसरी बुनियाद एक और वजह बन गई विच बिकम द मोस्ट इमीडिएट रीजन वॉज कि कुरैश के और हाशिम की पॉलिसीज और इनके इकदाम की वजह से अरब के अंदर थोड़ी जो है वो समझिए कि खुशहाली आई इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। तो कुरैश का कबीला कहीं भी सफर करता था तो इन पे कोई अटैक नहीं होता था, इन पे कोई रेड नहीं पड़ती थी, यानी और कत्लो गारतगिरी में भी लोग कुरैश से आमतौर पर जंग नहीं करते थे, है ना। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने ऐसा माहौल तैयार किया, अल्लाह ताला ने ऐसी अरब की कंडीशंस तैयार की कि कुरैश को एक खासा इंपॉर्टेंट पोजीशन हासिल हो गई अरब के अंदर, और कुरैश में बनू हाशिम को, हाशिम की फैमिली को एक खास इज्जत का मुकाम, खास जो है यूं समझ लीजिए कि नोबल स्टैचर मिल गया उस सोसाइटी के अंदर। अल्लाह ताला ने इन्हीं एहसानात का और इन्हीं पॉलिसीज का जो अल्लाह ने हाशिम के जरिए एग्जीक्यूट करवाई, इनका जिक्र जो है वो सूरह कुरैश के अंदर किया है, वो हम इंशाल्लाह इसके बाद पढ़ेंगे। इससे पहले एक हदीस आप सामने पढ़ लीजिए, आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रही है, सही मुस्लिम की हदीस है, इन अल्लाह अस्तफा कनाना मिन वलदिल वलदिल इस्माइल
واستفى قرعيش من كنانة واستفى من قرعيش بني هاشم واستفاني من بني هاشم कि बेशक अल्लाह ताला ने चुन लिया कनाना को। कनाना एक शख्स थे, एक औलाद इस्माइल में एक कनाना नाम के एक शख्स गुजरे हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सही मुस्लिम की एक हदीस है, इसमें बयान फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने कनाना को औलाद इस्माइल में से चुन लिया, खास मुंतखब कर लिया, और कनाना की औलाद में से अल्लाह ताला ने कुरैश को मुंतखब कर लिया, यानी कुसई इब्ने किलाब ने जो कन्फेडरेशन बनाया था उनको अल्लाह ने खास तौर पर चुना। वस्तफा मिन कुरैश बनी हाशिम, और कुरैश में से अल्लाह ताला ने खास तौर पे बनी हाशिम को, बनु हाशिम को चुन लिया, ठीक है। वस्तफा नी, और अल्लाह ने चुन लिया, उसने चुन लिया मुझे, मिन बनी हाशिम, बनी हाशिम में से अल्लाह ताला ने मुझे खुसूसन चुना। गोया ये फजीलत का यूं समझ लीजिए कि सर्कल है जो अल्लाह ताला ने खास तौर पे एग्जीक्यूट किया अरब के ऊपर। और सही मुस्लिम की हदीस है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जबान से बयान फरमाया है कि अल्लाह ताला ने तमाम औलाद इस्माइल में से खास तौर पे कनाना की औलाद को चुना, और कनाना की औलाद में से अल्लाह ताला ने खास इज्जत अता की कुरैश को, और कुरैश में से अल्लाह ताला ने खास इज्जत जो है बनु हाशिम को अता की, और बनु हाशिम में अल्लाह ताला ने खुसूसन मुझे चुन लिया। तमाम यानी यूं समझ लीजिए कि तमाम इज्जतें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जाके उनका इख्तिताम हो जाता है, यानी इज्जतों की मेराज जो है वो आपकी शख्सियत। खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी हदीस मौजूद है गालिबन बुखारी में कि अना सैयदु वलदिल आदम, कि बेशक मैं तमाम औलाद आदम का सरदार हूँ। तो ये बिल्कुल हकीकत है, अल्लाह के रसूल जब ये बात कह रहे हैं तो किसी फख्र के बिना पे नहीं कह रहे, बल्कि एक हकीकत का बयान कर रहे हैं। तो ये एक चीज है जो समझना जरूरी है कि अल्लाह ताला अपने बाज़ बंदों को बाज़ के ऊपर फजीलत देता है, ठीक है। अच्छा, इस बात को समझने के लिए इसके साथ एक हदीस और बड़ी मशहूर है, आपके सामने अक्सर गुजरती है और खुतबे में और तकारीर में पढ़ी जाती है कि ला फजल अरबी अला अजम, अजमी, कि किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर फजीलत नहीं है, वला लि अजमी अला अरबी, और किसी अजमी को किसी नॉन अरब को किसी अरब के ऊपर फजीलत नहीं है, वला लि अबयज अला अस्वद, वला लि अस्वद अला अबयज इल्ला बितक्वा, कि किसी गोरे को किसी काले के ऊपर फजीलत नहीं है, किसी काले को किसी गोरे के ऊपर फजीलत नहीं है, सिवाय तकवे की बुनियाद पर, अल्लाह से खशियत की बुनियाद पर। तो यहाँ पे एक हदीस आपके सामने आ रही है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है किसी को किसी के ऊपर फजीलत नहीं है, अरब को अजम के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, अजम को अरब के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, गोरे को काले के ऊपर कोई फजीलत नहीं है, काले को गोरे के ऊपर कोई फजीलत नहीं है। फजीलत की बुनियाद जो है इस्लाम में सिर्फ तकवा है, अल्लाह का खौफ है। इस हदीस को सामने रखिए, और इससे पहले जो हमने हदीस सुनी पढ़ी जो सही मुस्लिम की आपके सामने स्क्रीन पे अपीयर हो रही है कि अल्लाह अस्तफा कनाना मिन वलदिल आदम, कि अल्लाह ताला ने कनाना को इस्माइल की औलाद में से चुन लिया, फिर कुरैश को कनाना की औलाद में से चुन लिया, कुरैश में से बनु हाशिम को चुन लिया, और बनु हाशिम में से मुझे चुन लिया खास तौर पर फजीलत के लिए। तो ये दोनों हदीसें बज़ाहिर बाज़ लोगों को लग सकती है कि टकराती हुई महसूस हो रही है। एक तरफ अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह रहे हैं कि फजीलत सिर्फ तकवे की बुनियाद पर, दूसरी जगह ये कह रहे हैं कि अल्लाह ने फलां बड़े गिरोह में से, बड़े ग्रुप में से छोटे ग्रुप को चुना, और फिर उसमें से छोटे ग्रुप को चुना, और उसमें से छोटे ग्रुप को चुना, और उसमें से मुझे चुना। तो ये जो फजीलत है ना, ये जो इस हदीस में फजीलत बयान की जा रही है, ये दुनिया में शर्फ और इज्जत और नोबिलिटी की पॉइंट ऑफ व्यू से बयान की जा रही है। और दूसरी जो हदीस बयान की आपके सामने ये कि किसी अरबी को किसी अजमी के ऊपर फजीलत नहीं, और किसी अजमी को किसी अरबी के ऊपर फजीलत नहीं, ये दर हकीकत अल्लाह की निगाह में आखिरत का मामला है, और दुनिया में कानूनी सतह पर मामला है। यानी कोई अरबी जो है मुस्लिम, ही इज नो बेटर देन अ नॉन अरबी मुस्लिम, और कोई वाइट मुस्लिम इज नो बेटर देन अ ब्लैक मुस्लिम, एंड अ ब्लैक मुस्लिम इज नॉट बेटर देन अ वाइट मुस्लिम। द ओनली पैरामीटर ऑन विच कोई बेहतर हो सकता है वो अल्लाह की खशियत है, अल्लाह से कुर्बत है, ठीक है। तो ये मामला जो है वो आखिरत का है, ये मामला दुनिया के अंदर कानूनी सतह पे है, ये मामला अल्लाह की निगाह का है, और यहाँ जो फजीलत है ये दुनियावी शर्फ और इज्जत की बात हो रही है। दोनों में फर्क है, यानी आप जैसे कहते हैं ना कि फला इंसान जो है शरीफ खानदान से, अच्छे खानदान से, तो इससे मुराद ये नहीं होता कि वो अल्लाह की निगाह में वो खानदान अच्छा है, नहीं, दुनियावी एतबार से जो शरीफ खानदान होता है, जो अच्छे खानदान होते हैं, पढ़े लिखे लोग होते हैं, तो उनकी हम इज्जत करते हैं, वही मामला यहाँ है। बस ये एक बिल्कुल एक नेचुरल बात है कि बाज खानदान जो होते हैं वो यानी दुनियावी एतबार से शर्फ में, इज्जत में उनकी इज्जत ज्यादा होती है ना, तो ये अपनी जगह बिल्कुल मुसल्लम बात है, बिल्कुल नेचुरल बात है। लेकिन इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, इसके बेसिस पे किसी को किसी से बेहतर समझना, इसके बेसिस पे जो है वो दीनी कानून बनाना, या इसके बेसिस पे अल्लाह के यहाँ फैसला नहीं होता। अगर अल्लाह के निगाह में आपको अच्छा बनना है, अल्लाह के यहाँ आपको कामयाबी चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ उसकी बुनियाद जो है वो तकवा है।
ये दोनों बातों के दरमियान तत्बीक है, दोनों बातों के दरमियान जो एग्रीमेंट है उसको समझ लीजिए कि दुनियावी शर्फ और फजीलत और इज्जत एक अलग चीज है जो अल्लाह ने बाज फैमिलीज को बाज के ऊपर अता की होती है, नेचुरल है। इट डज नॉट रिफ्लेक्ट कि समवन इज बेटर देन अदर, ठीक है। लेकिन अल्लाह के यहाँ जो फजीलत का मामला है, अल्लाह के यहाँ जो बुलंदी और बरतरी का मामला है, वो सिर्फ और सिर्फ तकवे की बुनियाद पे। ये मसला क्लियर हो गया इंशाल्लाह। तो अब हम जो है सूरह कुरैश आपके सामने पढ़ते हैं, लैलत कुरैश। इसमें अल्लाह ताला ने अपने एहसानात का जिक्र किया है और इनमें उन्हीं एहसानात का तज़किरा है जो मैंने मैप के जरिए आपको बयान कर दिया। ये सूरह 106 है और आप इस सूरह को, यानी ये सूरह आप में से अक्सर लोगों को हिफ्ज होगी, याद होगी, आप नमाज में पढ़ते हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपके सामने इसकी तिलावत करता हूँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف। अच्छा, ये सूरत जो है वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई है, लेकिन इसमें वाकया जो बयान किया जा रहा है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले का है, है ना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से पहले जो अरब के अंदर तब्दीलियां हुई हैं उनका जिक्र है, उन एहसानात को अल्लाह ने याद कराया। मेरी आवाज वगैरह में कोई प्रॉब्लम तो नहीं? चलिए। लइलाफ कुरैश, कि कुरैश मानूस हो गए इस सबब के, कुरैश मानूस हो गए। अल्लाह ताला चंद आगे रीजन बयान कर रहा है और पहले उसकी तमहीद बयान कर रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है कुरैश जो है मानूस हो गए, एकस्टम्ड हो गए, वेल नोन हो गए, ठीक है। किसी भी चीज को आप करते हैं और वो काम आप इस तरह करें कि आप उस चीज में माहिर हो जाएं और वो चीज आपकी आदत बन जाए, तो इसको कहते हैं मानूस हो जाना, है ना। मिसाल के तौर पे आप कोई नई जॉब ज्वाइन करते हैं, वहां आपको नए तरह का काम करना है, तो इनिशियली उसमें दिक्कत होती है, इंसान को चीजें सीखनी पड़ती हैं, लेकिन वक्त के साथ 2-4 साल आप जब उसी जॉब को उसी तरीके पर करते रहते हैं तो फिर आपको उसकी आदत हो जाती है, फिर आप सारे मामलात को समझने लगते हैं कि ये काम इस तरह से होगा, ऐसी सिचुएशन आ जाए तो ऐसे टैकल करना है ना, और ये इस तरह की फाइल्स आए तो उसको इस तरह, यानी मामले को डील करना है। तो ऐसा ही मामला जो होता है इसको कहते हैं उन्सियत पैदा हो जाना, किसी चीज में फैमिलियर हो जाना, है ना, किसी चीज से एकस्टम्ड हो जाना, आदि हो जाना। तो अल्लाह ने फरमाया लइलाफ कुरैश, कुरैश जो है वो आदि हो गए। इलाफिहिम रिहलत अश्शिता वस्सईफ, किस चीज के आदि हो गए? जारे और गर्मी के सफर। अब यहाँ जो रहलत शिता वसैफ बयान किया गया है वो सफर जो ये जाड़े के मौसम में करते थे टुवर्ड्स यमन, टुवर्ड्स सदर्न पार्ट ऑफ अरेबिया, टू गेट दी स्पाइसेस फ्रॉम इंडियन कैरावंस, और दूसरा गर्मी का सफर जो ये पर्शियन एम्पायर में और रोमन एम्पायर में करते थे, पर्शिया से सिल्क लेते थे और फिर उसको ट्रांसफर करते थे रोमन में, बाइजेंटाइन एम्पायर में, और वहां से की चीजें खरीद के फिर वापस अरब में जो है वो अपने हज के मौसम में भी बेचते थे और फिर वापस उसको यमन में भी ले जाके बेचते थे इंडियंस के यहाँ। तो ये मामला जो है इसका जिक्र यहाँ हो रहा है, इला फिहिम रहलत शिता वसैश, किस चीज से मानूस हो गए कुरैश? जाड़े और गर्मी के सफर से। अब आप एक बात बताइए, अगर आपको ये वाकयात नहीं मालूम हो, ये पस मंजर बैकग्राउंड नहीं मालूम हो, तो आप इस सूरत की खूबसूरती को, इसमें किस चीज की तरफ इशारा किया जा रहा है उसको नहीं रियलाइज कर पाएंगे, है ना। इवन इफ आप तर्जुमा भी पढ़ लें इसका तो भी वो, यानी इसके पीछे किस बात की तरफ इशारा हो रहा है, जब ये आयतें उतरती थी तो कुरैश फौरन समझ जाते थे क्या बयान हो रहा है। कुफार जो होते थे, अल्लाह के मुनकिर जो होते थे, वो भी जान जाते थे कि यहाँ इशारा किस बात की, और हम ईमान रखने के बावजूद हमें मालूम नहीं होता कि कुरान मजीद में अल्लाह इस बात को कह रहा है तो इशारा किस चीज की तरफ, ठीक है। तो अब अल्लाह ने ये दो एहसानात का जिक्र किया, उसके बाद कहा फलयअबुदु रब्ब हाज़ल बैत, तो उन्हें चाहिए, अब कुरैश के बारे में अल्लाह ताला बयान कर रहे हैं कि कुरैश को चाहिए कि इस घर की रब की इबादत करें। अच्छा, रब्ब हाज़ल बैत यानी इस घर के रब की इबादत, यहाँ जो घर की तरफ इशारा है वो कौन सा घर है? काबा। और काबे का तकद्दस और काबे की इज्जत और काबे का मुकाम जो था, जिसकी वजह से कुरैश को खास तौर पे इज्जत मिली हुई थी अरबियन पेनिनसुला में, तो यहाँ इशारा उसकी तरफ भी है। देखिए, कुरान का जो कलाम होता है ना, अल्लाह ताला का जो बात करने का तरीका होता है, उसमें कई छुपे हुए इशारे भी होते हैं। अब जब कुरैश को ये बयान किया जा रहा है कुरैश के सामने कि फल याबुदु रब्ब हाज़ल बैत, तो कुरैश को चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें, तो इसमें इशारा जो है ना इस घर के रब की, इसमें दो बातें इशारतन बयान कर दी गई। एक ये कि ये जो घर है जिसकी वजह से तुम्हें तकद्दस और इज्जत और सोसाइटी में नाम, जी मेरे बैकग्राउंड में आवाज आ रही, अब सही है?
अब आ रही है? पता नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा हूँ काफी। अभी भी क्लियर है? हेलो, बैकग्राउंड में कौन सी आवाज आ रही है? मुझे समझ तो नहीं आ रहा है। यहाँ तो कुछ भी नहीं चल रहा बैकग्राउंड। मेरे ख्याल में जो आवाज आ रही है वो लैपटॉप की ही आ रही है शायद। कूलिंग बंद हुआ ना? चलिए ठीक है। अब आवाज वाज़ है? चलिए ठीक ठीक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फलियाबुदू रब हाजल बई, तो कुरैश को चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। यहाँ जो इशारा इस घर की तरफ है वो काबे की तरफ, और काबे की तरफ इशारा करके, यानी यूं समझ लीजिए सटल वे में अल्लाह ताला ने इस बात की तरफ भी इशारा कर दिया कि तुमको जो इज्जत और मुकाम और मर्तबा हासिल है अरब के अंदर, तुमको जो सिक्योरिटी हासिल है अरब के अंदर, वो किस वजह से है? इस काबे के तकद्दस की वजह से हासिल है। और ये काबे का रब कौन है? अल्लाह। तो तुमने जो बुतों की इबादत करनी शुरू कर दी है, तुमने जो अल्लाह के मामलात में शिर्क करना शुरू कर दिया है, अल्लाह की नाफरमानियां करनी शुरू कर दी हैं, उसमें जो तुम्हें इज्जत और तुम्हें मुकाम और तुम्हें सिक्योरिटी और जो सारी मामला तुम्हें अच्छे हो रहे हैं तुम्हारे साथ, वो सब के सब इस घर के नतीजे में हो रहे हैं, और ये घर का रब जो है वो अल्लाह है। तो यहाँ एक सटल इशारा भी अल्लाह ताला ने किया है, एक यूं समझ लीजिए कि जिमनन इशारा किया है, फलियाबुदू रब हाजल बैत, तो इस घर के रब की इबादत, कुरैश को चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। अल्लजी अतआमहुम, उस रब की जिसने अतआमहुम इन्हें खिलाया, मिन जूअ, भूख की हालत में। यहाँ इशारा है उस पॉलिसी की तरफ जो हाशिम के जरिए एग्जीक्यूट हुई। उससे पहले जो है वो, यानी हर साल कुछ ना कुछ कहरसाली का मामला होता था, और बहुत बड़ी पॉपुलेशन जो है उनकी मारी जाती थी भूख से, स्टारवेशन से। तो हाशिम ने शुरू सबसे पहले ये किया कि उन्होंने जो है अपने ऊँट ज़बह कर करके गोश्त जो है वो अरब में बांटना शुरू किया, उसके जरिए लोगों की भूख कम हुई। फिर अल्लाह ताला ने उनकी, हाशिम के जहन में वो प्लानिंग्स डाली जिनके जरिए ये ट्रेड की पूरी पॉलिसी एग्जीक्यूट हो पाई। तो अल्लाह ने ये जो काम हाशिम ने किया है, दर हकीकत वो अल्लाह के बताने से किया है, अल्लाह के सिखाने से किया। तो अल्लाह ने इस बात को अपनी तरफ मंसूब किया, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जूअ, उस रब की इबादत करनी चाहिए कुरैश को जो जिसने इन्हें खाना खिलाया भूख की हालत में, वह आमनहुम मिन खौफ, और खौफ के आलम में अमन अता किया। ये इशारा है अरब को, अरब के अंदर जो यानी ये जो काफिले पे रेड्स पड़ते थे और लूट मार का मामला था, कत्ल व गारतगिरी का मामला था, उससे कुरैश को एग्जम्पशन हासिल था। कुरैश के काफिले पे कोई हमला नहीं करता था, कुरैश को सब लोग इज्जत करते थे। यहाँ तक कि बाइजेंटाइन एम्पायर में जब ये लोग जाते थे ट्रेड करने के लिए तो वहां भी इनकी इज्जत होती। तो इज्जत इन द सेंस कि नॉट, जैसे बहुत डिप्लोमेटिक इज्जत नहीं होती थी, कोई बहुत हाई प्रोटोकॉल नहीं था, लेकिन कंपैरेटिव सेंस में बाकी कबाइल के मुकाबले में इनकी इज्जत ज्यादा थी। तो अल्लाह ने अपने इन एहसानात के, दो बहुत इंपॉर्टेंट एहसानात हैं, एक ये कि भूख की शिद्दत में यानी कि स्टारवेशन का मामला खत्म हुआ, दूसरा सिक्योरिटी। हम जैसे कहते हैं ना कि फूड एंड सिक्योरिटी, ये दो बेसिक नीड होती हैं ह्यूमन बीइंग्स की। जब तक ये दो बेसिक नीड पूरी नहीं होती है सही तरीके से, इंसान जो है वो बड़ी चीज़ों के बारे में नहीं सोच पाता। अगर उसको दिन भर खाना ही नहीं मिल रहा और उसको हर वक्त अपनी जान का ही खदशा और खौफ है, तो बड़े बड़े बात यानी मामला जो है, अखलाकी कदरें जो है उसके अंदर डेवलप नहीं हो सकती आम इंसानों के अंदर। खास लोग जो होते हैं वो हर सूरत में खास ही होते हैं, बड़े जो होते हैं उनके रुतबे भी बड़े होते हैं, लेकिन आम इंसान जो होता है, जब तक उसको यानी दो वक्त की रोटी अगर प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती है और वो अमन में नहीं रहता है, सुकून से नहीं रहता, हर वक्त यानी समझ लीजिए कि उसको जान का खदशा बना रहता है, तो वो बहुत नेक काम और बहुत आला कदरें और अखलाक के बुलंद मरातब पे फायज नहीं हो सकता। कुरैश को ये चीजें अल्लाह ताला ने अता कर दी ताकि उनका ध्यान जो है अब इन चीजों से हटके जो है वो अल्लाह की इबादत की तरफ लग जाए, और इसी एहसान को अल्लाह ने यहाँ बयान किया है। फिर से सूरत पढ़ लीजिए, ले इलाफ कुरैश, कुरैश मानूस हो गए, इलाफ हिम रहलत शिताई व सईफ, किस चीज से मानूस हो गए? जारे और गर्मी के सफर से मानूस हो गए। फलियाबुदू रब हाजल बईद, तो कुरैश को चाहिए कि इस घर के रब की इबादत करें। अल्लजी अतअमहुम मिन जूअ व आमनहुम मिन खौफ, उस रब की इबादत करें जिसने इन्हें भूख में खाना खिलाया, वह आमनहुम मिन खौफ, और खौफ के मामलात में, खौफ के आलम में अमन अता किया, खुसूसी सिक्योरिटी अता की। तो ये मामला है सूरह कुरैश के अंदर जिसमें अल्लाह ताला ने इन इन चीज़ों का जिक्र किया है। मैं समझता हूँ अब जब आप इस सूरत को नमाज के अंदर पढ़ेंगे तो आपके जहन में वो तमाम चीज़ें जो है वो जो यहाँ आज आपने पढ़ी हैं वो एक बार जहन से गुजरेगा इंशाल्लाह। अब हम यानी हाशिम की जिंदगी का मामला हो गया, हाशिम की स्टडी अब हम नहीं करेंगे, वापस से आप इस चार्ट को देख लीजिए।
कि हाशिम की स्टडी कंप्लीट हो चुकी है, अब हम पढ़ेंगे अब्दुल मुत्तलिब के बारे में। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में थोड़ा सा विल बी मोर डिटेल्ड देन हाशिम, और फिर अब्दुल्ला जो हुजूर के वालिद हैं, वालिद साहब हैं, इनके बारे में हमारे पास ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं। तो इनकी जिंदगी के बारे में तो हम इससे ज्यादा कुछ नहीं पढ़ पाएंगे कि इनकी शादी हजरत आमना से हुई थी, और यानी 2-4 मिनट इस पे बात करेंगे तो ये दिस विल नॉट टेक मच टाइम। बट अब्दुल मुत्तलिब के बारे में थोड़ी सी तफसील जो है वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि हुजूर की जिंदगी से डायरेक्ट रिलेवेंस है अब्दुल मुत्तलिब का। ठीक, तो अब हाशिम की जिंदगी हमने पढ़ ली, अब हम अब्दुल मुत्तलिब यानी हाशिम के बेटे उनकी जिंदगी पढ़ने जा रहे हैं। थोड़ा सा आज हम अब्दुल मुत्तलिब के बारे में पढ़ेंगे, तमाम चीजें जो है वो अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी की कवर नहीं कर पाएंगे, लेकिन जितना भी होता है वो उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। अब्दुल मुत्तलिब के बारे में सबसे पहले खास बात समझ लीजिए कि अब्दुल मुत्तलिब वॉज अ वेरी वेल बिल्ट मैन, बहुत अच्छे स्टैचर के इंसान थे, बहुत लंबे चौड़ा इनका कद था, बहुत जोरावर थे, मजबूत थे, ठीक है, बहुत चौड़ा सीना था और बहुत खूबसूरत, जिसे कहते हैं ना कि एक अरब नौजवान की जो खूबसूरती इमेजिन आप कर सकते हैं वो अब्दुल मुत्तलिब के अंदर थी। ठीक है, बहादुर, बहादुरी जो है कॉमन सिफत है अरब के अंदर, लेकिन बनु हाशिम के अंदर खुसूसन थी, तो इनके अंदर बहादुरी थी। दूसरी, अब्दुल मुत्तलिब के अंदर एक एडिशनल क्वालिटी ये थी कि इनके अंदर लीडरशिप स्किल बहुत जबरदस्त थी। आप ये बात नोट कर लें, नोट करते चलें कि हम हुजूर के खानदान खानवादे वालों के बारे में जब हम पढ़ रहे हैं तो सबके अंदर चंद क्वालिटीज ऐसी हैं जो बहुत काबिल इज्जत हैं और जो यूं समझ लीजिए कि कॉमनली एक्सेप्टेड एंड कॉमनली रेस्पेक्टेड क्वालिटीज। तो उनमें से एक ये था कि रिलेटिवली स्पीकिंग बनू हाशिम का जो खानवादा था, हुजूर का जो खानवादा था, ये सबसे शरीफ तरीन खानदान था, ठीक है, अरब के अंदर। उसमें बनू हाशिम में अब्दुल मुत्तलिब पैदा हुए, ये हुजूर के दादा मोहतरम है, और ये लीडर लीडरशिप की क्वालिटी इनके अंदर इतनी ज्यादा थी कि जब ये बच्चे ही थे, अभी जवान भी नहीं हुए थे, तो ही कुरैश के अंदर जो है वो बड़े बड़े लोग इनसे सजेशन लेने आते थे। तो इससे समझ में आया कि ये वाइज बहुत थे, ठीक है, अकलमंद बहुत थे, ठीक है, बहुत बेहतरीन पोएट थे, यानी अरबी लिटरेचर पे इनको अच्छी खासी दकाकियत हासिल थी, ठीक है, और अपनी नौजवानी के आलम में ही जो है वो इनको समझ लीजिए कि यूनानिमस एक्सेप्टेंस कुरैश के अंदर मिल गया। और कुरैश ने पहली बार, कुरैश का आम मामला ये नहीं था कि एक इंसान को लीडर बनाए, हाशिम वॉज वेरी क्लोज टू बींग दी यूनानिमस लीडर, बट हाँ वो इकोनॉमिक सेंस में हाशिम वॉज द लीडर, बट पहली बार अब्दुल मुत्तलिब को ज्वाइंटली कुरैश का लीडर डिक्लेयर किया गया, ठीक है। ऑल्दो किंग का कॉन्सेप्ट कुरैश क्या नहीं था, अरब में किंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं था, वो तो नदवा होती थी, शूरा होती थी, कई 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 लीडर्स होते थे किसी कबाइल के, वो आपस में बैठ कर फैसला किया करते थे। लेकिन पहली बार अरब के अंदर हुआ ये कि अब्दुल मुत्तलिब की शख्सियत इतनी उसमें जाज़बियत और इतनी पर्सनैलिटी में चार्मिंग थी कि अब्दुल मुत्तलिब को कुरैश ने तस्लीम कर लिया कि हाँ आप हमारे लीडर हैं। लेकिन ये एकदम से नहीं हुआ, शुरू में इनकी इनके विजडम इनकी सलाहियतों से मुतासिर होते गए कुरैश। चंद वाकयात अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में ऐसे हो गए जिनके नतीजे में कुरैश ने फिर मान लिया कि हाँ आप हमारे सरदार हैं, और वो वाकयात क्या हैं वो इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। लेकिन उनको पढ़ने से पहले हम ये समझ लें कि जो अब्दुल मुत्तलिब हैं या हाशिम हैं, ये लोग जो थे वो ईमान वाले नहीं थे, ठीक है। जो सही अकीदा, सही तारीखी सोर्सेज यही बताते हैं कि ये लोग ईमान वाले नहीं थे, क्योंकि ये वही दीन मानते थे जो अरब में शिरकिया और बुत परस्ती वगैरह चलती थी, ये उसी पे कायम थे। लेकिन हाँ, शराफत का पहलू इनके यहाँ बहुत था, ठीक है, इनके यहाँ अदर क्वालिटीज, अदर ह्यूमन क्वालिटीज जो होती हैं वो बहुत थी, बहादुरी बहुत थी, यानी कि जबान पे इनको अच्छा दस्तरस हासिल था, ठीक है। अरब के अंदर जो आम बुराइयां थी, अखलाकी बुराइयां, वो इनके अंदर ना के बराबर थी। तो ये अब्दुल मुत्तलिब की खासी खसूसियत थी, और अब्दुल मुत्तलिब अपनी खूबसूरती की वजह से भी जाने जाते थे, ठीक है। तीन इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हैं अब्दुल मुत्तलिब के लाइफ के जिनका पढ़ना बहुत जरूरी है और जिनका डायरेक्ट रिलेवेंस है इस्लाम से, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से। तो अब हम जैसे जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के करीब आते जा रहे हैं, गोया कि आप यूं समझ लीजिए कि बिल्कुल करीब आ चुके हैं, अब ये हुजूर के दादा ही हैं। तो तीन इंसिडेंट हैं जिनका बहुत डायरेक्ट रिलेशन है। पहला, जमजम की रीडिस्कवरी। जमजम की रीडिस्कवरी का मतलब ये है कि आपको याद होगा कि जुर्हुम कबीले की जब जंग हुई थी, किससे, बनू खुजा से, जुर्हुम कबीले ने 2000 साल हुकूमत की काबे के ऊपर, राइट फ्रॉम इस्माइल अलैहिस्सलाम टिल जो 2000 साल तक का जो पीरियड है वो, उसमें जुर्हुम ने हुकूमत की। लेकिन जब उनकी जंग हो गई बनू खुजा से, अम्र इब्ने लुहाई अल खुजाई जो बनू खुजा का लीडर था, जिसने सबसे पहले शिर्क इंट्रोड्यूस किया था मक्का के अंदर, तो उसके जमाने से कुछ पहले बनू खुजा को जब हुकूमत हासिल हो गई और जुर्हुम को भागना पड़ा मक्का छोड़ के,
तो जुरहुम ने जमजम को इस तरह छुपा दिया कि आने वाले कबाइल या आने वाली हुकूमतों को मालूम न चल सके। ठीक है, जैसे हमने पढ़ा था बहुत पहले, अगर आपको याद हो, कि भागने से पहले जुरहुम ने कई चीजें की। एक तो ये कि काबे के खजाने छुपा दिए, दूसरा ये कि वो जो जमजम था उसको इस तरह छुपा दिया कि अगले 600 साल तक लोगों को मालूम भी नहीं चल सका कि जमजम कहाँ है और जमजम क्या है, बल्कि उनकी तारीख से भी ये चीज खत्म हो गई। आगे वाकयात जब हम पढ़ेंगे तो भी समझ में आएगा कि अब्दुल मुत्तलिब के जरिए जमजम की डिस्कवरी हुई, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब को खुद मालूम नहीं था कि जमजम क्या चीज़ है। ठीक है, क्योंकि जाहिर है कि वो छुपा के चले गए थे, उनके यहाँ कोई हिस्टोरिकल उस तरह से रिकॉर्ड होता नहीं था। तो ये पहला इंसिडेंट है रीडिस्कवरी ऑफ जमजम, इसके बारे में हम तफसील से पढ़ेंगे। फिर दूसरा दूसरा ये है कि इसी से रिलेटेड है, जमजम की रीडिस्कवरी से रिलेटेड एक स्टोरी है जो अब्दुल मुत्तलिब के छोटे बेटे अब्दुल्ला, सबसे छोटे नहीं लेकिन छोटे बेटे थे अब्दुल्ला उन, और ये अब्दुल्ला कौन है, हुजूर के वालिद, रसूलुल्लाह सल्लम के वालिद, इनके सैक्रिफाइस की, सैक्रिफाइस हो नहीं पाया था लेकिन अब्दुल मुत्तलिब ने इनके सैक्रिफाइस की एक मन्नत मानी थी, जिसके बारे में हम तफसीली तस्करा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो द स्टोरी ऑफ वो टू सैक्रिफाइस हिज सन, ये सेकंड मेजर इंसिडेंट है अब्दुल मुत्तलिब के लाइफ का। थर्ड मेजर इंसिडेंट है स्टोरी ऑफ फील, हाथी वालों का वाकया। हाथी वालों का वाकया सूरह अलम तरह कई फ़ाल रब्बु कभी असहाबिल फील में बयान किया गया है, वो हम जब इस मुकाम पे पहुंचेंगे तो पढ़ेंगे। तो इंशाल्लाह मैं यानी मजीद जो इस रीडिस्कवरी ऑफ जमजम की बात है वो आज अगर मैं शुरू करूँ तो खत्म कर नहीं पाऊंगा, तो मैं मुनासिब यही समझता हूँ कि यहाँ पे अपने इस लेक्चर को क्लोज करें। नेक्स्ट टर्न पे इंशाल्लाह हम ये तीन मेजर स्टोरीज जो अब्दुल मुत्तलिब की लाइफ की हैं, रीडिस्कवरी ऑफ जमजम, उनके अपने बेटे की कुर्बानी की जो उन्होंने मन्नत मानी थी और क्यों मानी थी, दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू रीडिस्कवरी ऑफ जमजम, वो भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। और फिर स्टोरी ऑफ फील जो है, और यानी कि हाथी वालों का वाकया, एक बहुत मुआजाती वाकया अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी में हुआ, वो भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इसका जिक्र भी अल्लाह ने कुरान में अलम तरह कैफ फ़अल रब्बु कभी असहाबिल फील में किया है, वो आप वो भी सूरत आप नमाज में पढ़ते हैं, तो उस सूरत की भी हम तफसीर यहाँ बयान करेंगे। तो ये तीन इंसिडेंट है मेजरली जो अब्दुल मुत्तलिब की जिंदगी के हैं, उनको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टर्न पे। फिर अब्दुल मुत्तलिब के जो बेटे हैं, कई बेटे हुए हैं इनके, लेकिन उनमें से जो पांच सबसे फेमस बेटे हैं उनका जिक्र हम करेंगे आपके सामने। एक अब्दुल्ला जो खुद हुजूर के वालिद हैं, और अब्दुल्ला की शादी बीबी आमना से होगी, यानी जो हुजूर की माँ है, तो उनका तस्करा थोड़ा सा करेंगे। दूसरे मशहूर बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब के अबू तालिब, जिनका जिक्र जो है वो इस्लामी तारीख में बहुत डिटेल में आगे आएगा, उनके बारे में भी थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तीसरे मशहूर बेटे हैं हजरत अब्बास, ठीक है, अब्बास नाम आप जानते हैं, अब्दुल्ला इब्न अब्बास जो हजरत अब्बास के बेटे, इनका जिक्र भी सीरत में मुख्तलिफ मुकामात पे आएगा। चौथे बेटे हैं हमजा, हमजा बहुत दिलेरी और बहादुरी के लिए मशहूर हैं, और ये इनका जिक्र जो है सूरह यानी यूं समझ लीजिए जंगे उहद तक, यानी हुजूर की जो मदनी जिंदगी के पहले 3 साल हैं वहां तक भी जो है वो इसका जिक्र आता रहेगा। और फिर चौथा जो है वो अबू लहब, अबू लहब जो है वो उसके बारे में कुरान में लानत नाजिल हुई है, तो ऐसे कौन सा काम था अबू लहब का, उसके बारे में भी हम अपने वक्त पे तज़किरा पढ़ेंगे। तो ये पांच मशहूर बेटे हैं अब्दुल मुत्तलिब, उनका जिक्र पढ़ेंगे, और फिर हम हुजूर की पैदाइश के बारे में भी इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो मैं इंशाल्लाह यहाँ पे अपनी बात को क्लोज करता हूँ, नेक्स्ट टर्न पे हम जमजम की स्टोरी से शुरू करेंगे। अल्लाह ताला इस मजलिस को शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए। 5 मिनट में आप लोगों से सवाल जवाब ले लूंगा, तो जिन भाइयों का सवाल हो वो एक एक करके कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।